आप लोगों की भारी डिमांड पे आज हम सुनेंगे कहानी पुराना मंदिर की, जो शुरू होती है 200 साल पहले, जहां बीजापुर के राजा की बग्घी का पहिया निकल जाता है और ये 14 बंदर उसे तलवार से ठीक कर रहा होता है। तभी राजा देखता है कि राजकुमारी तो है ही नहीं, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा वो सामरी बड़ा है बहन। ये सोच के सैनिकों को बोलता है कि ढूंढो बहन कहाँ चली गई। वहां राजकुमारी खंडर को ऐसे निहार रही होती है जैसे किसी पेंटिंग एग्जीबिशन में आई है। तभी सामरी वहाँ जावेद हबीब से हेयर कट करा के मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहन के आ जाता है, वो भी भेड़िया वाला। अबे भेड़िये को पता चल गया तो तेरे काले चूतर चबा लेगा। और ये लकड़ पक्खा राजकुमारी पे टूट पड़ता है और राजकुमारी की मौत हो जाती है। अब ये गनफटी में भागने की कोशिश करता है लेकिन इसे पकड़ के दरबार में लाया जाता है। यहाँ सब लोग इसे सलाह देते हैं कि मेरी विचारधारा ये कहती है कि इस खूनी दरिंदे को पवित्र अग्नि में जलाकर हमेशा के लिए राख कर दिया जाए। लेकिन इन सब की सलाह मान ली तो पिक्चर कैसी बनेगी? ये सोच के राजा फैसला सुनाता है कि नहीं गुरुदेव, ये शैतान के सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाएगा और ये धड़ इसी मंदिर के पीछे खंडरों में दफना दिया जाएगा और ये सर दूर हवेली में मेरी हिफाजत में रहेगा। एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में। लेकिन सर काटने से पहले ही हफ्सी सामरी राजा को श्राप दे देता है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सालों बीत जाते हैं। राजा हरिमान सिंह की नई पीढ़ी का पुराना शाहजहां अब शहर में रहता है। इसकी बेटी सुमन बड़ी हो चुकी है और ये भी पुरानी हवेली की अनीता की तरह गरीब लेकिन थरकी फोटोग्राफर संजय पे फिदा है। संजय का दोस्त है तहखाना का आनंद, जो यहाँ भी पिल्ले के लिए आ गया। भाई साहब गलती आपकी नहीं, दरअसल मैं भी वही देख रहा था जहाँ आप देख रहे थे। अबे साले घुमा के दूंगा एक, मैं अपना जैक लगाता हूँ। संजय और सुमन क्लब में गान मस्ती करने के लिए जाते हैं। चाहिए देवी जी, अरे 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 देवी जी आराम से भाई, आपके संतरे मौसमी गिर जाएंगे। इस क्लब में ये फोटोग्राफर इन दोनों की फोटो खींच के ठाकुर रणवीर सिंह को दे देता है और ठाकुर रणवीर सिंह लालगंज के लाल बाग से लाल बंदरों को लेके आता है। बेवकूफ, महल के चिराग झोपड़े में जलाएगा तो रोशनी नहीं होगी, झोपड़ा जल जाएगा। सब संजय की गुथाई करने लग जाते हैं। तभी पहाड़ी पे से चुपके से सुमन और संजय का नजारा ले रहा आनंद निकल के आता है और कराटे कुंग फू करके इन बंदरों की फाड़ देता है। घना शंग जी बन रहा है लोंडे, क्योंकि बहन की चुपड़ा मूड खराब कर दिया तुम्हारी माँ का भोजड़ा। मैं अपना जैक लगाता हूँ। वो सब पार्टी में भाग लेते हैं और संजय अब शेर बन जाता है। संजय पीठ पे सुमन के बीतने वाले सीन याद कर करके थिएटर में लोगों का सामान टाइप कर रहा होता है। तभी सुमन आ जाती है और उसे लेकर ठाकुर के पास जाती है। हवाले करने आया ठाकुर साहब, मैं चाहता तो आपके इस चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, मैं चलता हूँ। ठाकुर इन्हें अपना फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ ठाकुर की बीवी को सुमन होती है मगर सब डॉक्टर अपनी जान, मेरा मतलब है जान बचा के भाग रहे होते हैं। ठाकुर अंदर जाके देखता है तो अरे मदद चाहत, ऐसा रोग तो बीवी का तब बनता है जब पति वीकेंड पे दोस्तों के साथ दारू पी के घर आता है और ठाकुराइन मारी जाती है। ये जो सुन के संजय अपने पप्पू पे पत्थर रख लेता है चल जाएगा। और आनंद से बातें चौधरी रहता है। तभी सुमन उसे बीजापुर जाने को राजी कर लेती है और आनंद भी अपना माल, मेरा मतलब अपनी बीवी सपना को लेके इनके पीछे लटक लेता है। अबे बीवी है भाई, अपना काम धंधा देख, लेकिन नहीं, इन्हें तो देखनी है भेरंड भूत की डरावनी धूप। ये सब निकल जाते हैं गरीब संजय की। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसा गरीब तो मुझे बना दे भगवान। इतनी बड़ी गाड़ी और बढ़िया बंदी, लाइफ में और क्या चाहिए। तो रात में ये सब पुराने मंदिर तक पहुंच जाते हैं जहाँ खाना वाना खा के सब सो रहे होते। तभी जंगल में किसी की बुंड में कोई उंगली कर देता है और सुमन उठ के चेक करने जाती है जहाँ उसे सामरी का लावड़ा दिखता है। लेकिन जैसा कि होता है कि हीरो आते ही बोलता है अरे बाबा कुछ नहीं है यहाँ, तुम सिर्फ थक गई हो, कोई डराना ख्वाब देखा होगा। अगले दिन सुबह ये डरावने सतीश शाह से रास्ता पूछते हैं, जो डरावना है कॉमेडी करना नहीं छोड़ता और सुमन को ताड़ता रहता है।
ये लोग रात को हवेली पहुंचते जा, अरे मदर चात। कौन हो तुम? बोलती क्यों नहीं? ये गूंगी है। भाई खुला क्यों छोड़ रखा इस डरावनी बूढ़ी थूत को? मेरी माँ है मंगली। तो तुम कौन हो? यहाँ का चौकीदार किधर है? मैं हूँ यहाँ का चौकीदार दुर्जन। तो दुर्जन इनको हवेली का टूर कराता है और आनंद बीवी के साथ तारा रारा करने निकल जाता है। तस्वीरें देखते रहो, हम तो चले सोने। हमें भी नींद आ रही है भाई। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। तररी तररा तररा। मैं अपना जैक लगाता हूँ। सुबह आनंद कुंग फू की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सपना लन फू का सपना देख रही होती है। तुम्हारे बारे में सोचूंगा जाने मन तो हिंदुस्तान की आबादी और बढ़ जाएगी। कैसी बातें करते हो? मैं चली, लेकिन कहाँ? चाइना में। सपना गुस्से में अपनी प्यासी बिल्ली के साथ जंगल में निकल जाती है, जहाँ ये जंगली बिलौटे बिल्ली के महक मिलते ही इसे उठा ले जाते हैं। पर आनंद अपने फक द कुंग फू द कराटे से सबकी लन मारी कर देता है। रात में सुमन नहा धो के कैंडल जला के माहौल बना रही होती है, तभी जहाँ तहाँ सुमन के बिल्ली के रोंगटे खड़े कर देती है ये अब्बा डब्बा जब्बा। यहाँ डरावना सतीश जिसका नाम सांगा है दुर्जन से तहखाने के खजाने की चोट करने लगता है। अगर हवेली में खजाना नहीं होता तो ये लोग इतनी दूर से सुनसान वीरान हवेली में क्यों आते? रात में अरे इसे एक तो नहाने का बड़ा शौक है, शहर में समुंदर स्विमिंग पूल और यहाँ शावर से दीदी हट ही नहीं रही है। अब यह शराब का कुछ रास्ता खोजना थी या नहाने, शैतान ने भी इसे देख के खून निकाल लिया। इसका जवाब तुम दोगे। अब दुर्जन इन्हें कबीले वालों की हेल्प लेने का सुझाव देता है। अगर आप इस बात के गहराई तक पहुंचना चाहते हैं तो आपकी मदद कबीले के लोग करेंगे। अब कबीले वालों की हेल्प लेनी थी, बबले वालों की नहीं, घर की। अब ये बबले मेरा मतलब है बिजली अपनी गुफा में ले जाके इसको अपनी हवस का नंगा नाच दिखाते हैं। और फिर अपने भाई के पास लेके जाती है, काफी मॉडर्न कबीला है, हा 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 हा। और मुद्दे की बात करने के बजाय काले अंधेरे अंधेरी मंजिल की चोट करके वापस चला जाता है। तो हमेशा के लिए मौत के अंधेरे में गुम हो जाओगे। मौत के अंधेरे मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते, गर्दन काट के रख दूंगा। तुम्हारी ये धमकियां मेरे इरादे नहीं बदल सकते। और हाँ, इसे अपने पास रखो, तरकारी काटने के काम आएगा। रात में एक बिल्ली सुमन की गांड फाड़ देती है और राजा की पेंटिंग में से एक हाथ निकलता है, जिसे देख के सुमन उस पर हमला कर देती है और उसमें से खून निकलने लगता है। आनंद को उस पेंटिंग के पीछे दरार दिखती है और दोनों उसे तोड़ के अंदर जाते हैं, जहाँ दिखता है वो बक्सा जिसे लौड़े खोल देते हैं और त्रिशूल की वजह से वो बच जाते हैं। पर अब सामने जिंदा नहीं होगा तो पिक्चर आगे बढ़ेगी कैसे? तो डायरेक्टर दुर्जन और सांगा को चुपके से भेज देता है। तब मैं बग्घी लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, होशियारी से खजाना लेकर वही आना, ठीक है? रात में सांगा बक्सा खोल देता है और निवला मेरा मतलब है सामरी उसका चक्षु चोदन करके आँख में अपना माल भर देता है और सांगा उस बक्से को लेके इस अब्बा डब्बा जब्बा का डब्बा बंद कर देता है और फिर बग्घी पे भाग लेता है। ये सब जो दुर्जन संजय को बताता है जो उसका पीछा करते हैं और सामरी पेड़ की डाल को गिरा के उनका रास्ता रोक देता है और सांगा उसे पुराने मंदिर के पीछे ले जाके खुदाई करने लग जाता है और फिर खोपड़ा फिट करके अपने प्लास्टिक के हाथ में छुरा घोस के भैरन सामरी को अंडरटेकर की तरह जिंदा कर देता है। साले की थूत देख के 10 साल के तो क्या 15 साल के निब्बानी बीबी अपने मुंह से हक देंगे। तो ये अंडरटेकर आके सबसे पहले दुर्जन को चौक स्लैम दे के मार देता है। इधर सपना भी गायब है और सामरी सुमन के मजे लेने लग जाता है। अब आप पूछोगे कि ये सुमन व्हीलचेयर पे कैसे आई? तो दरअसल जब ये राजा की तस्वीर को मार रही होती है तो दीदी का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, हा हा हा। तो सामरी उसे फिर उन सीढ़ियों से गिराने वाला होता है पर आनंद ऐन मौके पे पहुंच कर उसे बचा लेता है पर सामरी सपना को हवेली के ऊपर से धक्का दे देता है। Oh, no! आनंद इस अंडरटेकर को चैलेंज करता है पर उसे रैप्टा मार के भाग जाता है। मैं अपना जैक लगाता हूँ। यहाँ गांव वाले सुमन और संजय को इन सब का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें बलि देने के लिए ले जाते हैं। और इस तबाही के जिम्मेदार तुम लोग हो। इस तबाही से बचने का एक ही रास्ता है,
भद्रकाली को तुम दोनों के खून की बलि। जहाँ इन्हें बांध के बिजली और बाकी छपरी लोग डांस परफॉर्मेंस देते हैं। तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा। और फिर ये बलि देने के बजाय अब संजय से मुकाबला करने लग जाता है। अबे चमन चूतियो, वो सामरी हफ्सी कुत्ते की तरह तुम सबकी गान लेने आ रहा है। पर नहीं, इन्हें करना है नाच गान और ये। अबे कुछ प्लान बनाओ, तांत्रिक वांत्रिक बाबा को बुलाओ, लेकिन इनकी चनूने काट रहा है। संजय और सुमन भाग लेते हैं और ये सब उनका पीछा करते हैं। तो के आधे घंटे से बांध रखा था, मार देता, कान फटे तो फटे, चुतियापा ना घटे। रास्ते में इसे आनंद दिख जाता है, जिसके गुर्दे पहले से लाल रखे थे। ये उसकी गांड में उंगली कर देता है। और ब्रूस ली की आत्मा उसी रास्ते से आनंद में आ जाती है। और ये चमन चूतिया को पेल देता है। साला बलि मुकाबला लड़ा लसुन। तुम्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा, भद्रकाली को तुम दोनों के खून की बलि। मैं अपना जग लगाता हूँ। संजय सुमन पुराने मंदिर के पास आनंद आनंद कर रहे होते कि तभी इस भूतनी की थूत को देख के दोनों की फट जाती है। और तभी आनंद पता नहीं कहां से आ जाता है इस लंडर टेकर के सामने। अब होगा मुकाबला। अरे ये तो फाइट तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। देखा, कभी किसी की फटी में अपनी टांग नहीं उड़ानी चाहिए। पहले अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान दो और फिर किसी का। वाह क्या ज्ञान पिला है मैंने आज। यहाँ ठाकुर भी आ जाता है और ये सब शिव जी से मदद मांगते हैं। जहाँ संजय को दिखता है कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल तो है ही नहीं, वो त्रिशूल उस बक्से के आगे रखा था, ये उसे याद आ जाता है। तो वो सुमन को लेके हवेली की तरफ निकल जाता है। जहाँ वो बक्से वाली जगह दिखता है पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी कान फाड़ आवाज आना शुरू जाती है और सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। और तब आता है बालू की दुकान सामरी, जो इतनी भयानक ढगार मारता है कि दोनों उड़ जाते हैं। और सामने सुमन को हिप्नोटाइज कर लेता है और वो कर्णफटी में इधर उधर देखता है। और तभी उसको दिखता है त्रिशूल झूमर के ऊपर। तो ये त्रिशूल यहाँ पहुँचा कैसे? तो जब ये चूतिया दुर्जन संजय और अनंत को सांगर के पीछे भेजता है, तो उसके बाद ये चौधू इस त्रिशूल को झूमर के ऊपर डाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि हीरो संजय है, आनंद नहीं। होना इससे कुछ है नहीं, ये कर्णफटी में इधर उधर देखेगा जरूर। संजय ऊपर दौड़ लगा के झूमर को नीचे गिरा देता है और त्रिशूल देख के सामरी की डामरी फट जाती है। और जैसे होता है, गेंद पाले में आते ही ये सुपाड़ा सुपर हीरो बन जाता है और सामरी को वापस कॉफिन में बंद कर देता है। तो ये सब चोर होने के बाद बावली गांड गांव वाले हैं या कबीले वाले पता नहीं, मसाले लेके आ जाते हैं हवेली जलाने। भोसड़ी की ये नहीं कि मदद कर दे, हवेली जलवा लो इन भोसड़ पप्पुओं से। संजय और सुमन कॉफिन को लेके नीचे आते हैं, जिसमें कुछ सेकंड के लिए सामरी पिका भू कर देता है। पर संजय इसे त्रिशूल से डरा के वापस अंदर डाल देता है और बाहर आके गांव वालों से कहता है, गांव वालों ले जाओ इस शैतान को जलाकर राख कर डालो गांव के चौके पर। अभी तो कह रहा था कि मैं जलाऊंगा, खैर। और सामरी को गांव वाले बांध देते हैं और संजय उसे त्रिशूल मार के आग लगा देता है और आखिर सामरी और श्राप दोनों खत्म हो जाते हैं। कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। करिए भाई।